सो है गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग वहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट देखेंगे, ठीक है, जिसका हमारा एम है टू डिटरमाइन द होल कोफिशिएंट ऑफ सेमी कंडक्टर सैंपल। तो यहाँ पे मिलिए, सो है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा देखेंगे होल कोफिशिएंट जो हम लोग मेजर करना है एक्सपेरिमेंट में हमारे। तो उसका थोड़ा सा देखते हैं कैसा सर्किट होता है, वो सब चीज़ें थोड़ा सा आइडिया लेंगे हम लोग होल इफेक्ट एक्सपेरिमेंट के लिए। तो देखिए, जो यहाँ पे आप जो चॉकलेट की चॉकलेट कलर की देख रहे हो, ये दोनों के दोनों आपके इलेक्ट्रोमैग्नेट हैं, ठीक है। ये है आपका स्टैंड, जिसमें आप जो भी आपका सेमीकंडक्टर पीस होगा उसको आप लोग यहाँ पे किसी तरह अटकाओगे, और फिर ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है ये तो इस तरह खुल जाते हैं, बीच में से गैप बन जाता है इनके बीच में, उसको आप यहाँ पे अपने स्टैंड की जो सेमीकंडक्टर है उसे यहाँ पे इंसर्ट कर दोगे दोनों के बीच में, ठीक है। ये जो आप थोड़ा सा डब्बा देख रहे हो, ये आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर सप्लाई है, ठीक है। अब देखो, ये है आपका गॉसमीटर जो आपको चाहिए होगा इसमें मैग्नेटिक फील्ड को मेजर करने के लिए, ठीक है। इन प्रोब्स की हेल्प से आप मैग्नेटिक फील्ड को मेजर कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। उसके बाद ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हैं, ठीक है। इनके ये जो आपको हैंडल दिख रहे हैं, इनके हेल्प से आप इनको गैप को कम ज़्यादा कर सकते हो। ये दो प्रोब्स हैं यहाँ पे कनेक्ट करने के लिए इनको, ठीक है। ये मैंने बताया था जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर सप्लाई, ये है आपकी, ये पहले वाला सर्किट है। अब ये देखो, यहाँ पे देखो कैसे इंसर्ट करना है आपको। तो ये आपकी जो है ये दो हैंडल हैं, ठीक है। इनको इनकी हेल्प से आप इनके बीच का गैप कम या ज़्यादा कर सकते हो। उसके बाद हम लोग जो मेरे ऊपर वाला जो स्टैंड दिख रहा था ना, उसके साथ इसको अटैच करना होता है, ठीक है। उसके बाद ये जो आपको ग्रीन कलर का दिख रहा है, यही आपकी सेमी कंडक्टर पीस है, सैंपल है। फिर इसको यहाँ पे बीच में इंसर्ट कर देना है, इसके बाद कनेक्शन कर लेने हैं सारे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे इंसर्ट कर दिया है हमने, ठीक है। इस तरह से इंसर्ट कर देना है, फिर कनेक्शंस कर लेने हैं। देखो, ये दोनों कनेक्शन यहाँ पे जा रहे हैं आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर सप्लाई से, ठीक है। तभी तो इलेक्ट्रोमैग्नेट इस पर अफेक्ट करेगी, ठीक है। और यहाँ से आप गॉसमीटर से हेल्प से आप ये गॉसमीटर ही है ना, हाँ ठीक है, गॉसमीटर की हेल्प से आप मैग्नेटिक फील्ड को मेजर कर सकते हो इधर। और इधर आप, हाँ, तो इधर आपका डिजिटल गॉसमीटर आपके इधर दे रखे हैं। और ये आपके होल इफेक्ट एक्सपेरिमेंट सेटअप, मतलब इधर आपके वोल्टेज वगैरह, करंट वगैरह, ये सब चीज़ें आप इधर से इन सेटअप की हेल्प से मेजर कर सकते हो। तो अब लैब में जब आप देखोगे ना, जाके इशू कराओगे एक्सपेरिमेंट, और जब करना बैठोगे तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बस इधर से आप थोड़ा आइडिया ले लो। तो इस तरह से देखिए सर्किट आपको इस तरह से बनाना है पूरा, ठीक है। तो इस तरह से रखना है, हमें होल कोफिशिएंट निकालना है, ठीक है, पूरे सेमीकंडक्टर सैंपल के लिए। तो देखते हैं एक्सपेरिमेंट को। तो एम तो हमने देख लिया, अब एपरेटस देख लेते हैं इसमें क्या क्या चाहिए होता है। तो इसमें चाहिए होता है एक थिन सेमीकंडक्टर रेक्टेंगुलर स्लिप, ठीक है, एक थिन सेमीकंडक्टर रेक्टेंगुलर स्लिप हमें चाहिए होगा, ठीक है। और एक चाहिए होता है हमें एक करंट पावर सप्लाई, ठीक है, कॉन्स्टेंट करंट पावर सप्लाई इन रेंज ऑफ 0 to 20 mA। एक इलेक्ट्रोमैग्नेट चाहिए होती है, गॉसमीटर चाहिए होता है मैग्नेटिक फील्ड को मेजर करने के लिए, डिजिटल मिलीमीटर चाहिए, एक डिजिटल वोल्टमीटर चाहिए, एक वोल्टमीटर चाहिए, और टू सैंपल की चाहिए होती है, और बाकी सब कनेक्टिंग वायर्स, ठीक है। तो थ्योरी में आप लोग देख लेना, क्योंकि थ्योरी इसमें मैंने शॉर्ट में लिखी हुई है, तो अब जब बुक से पढ़ोगे तो उस आपको अच्छे समझ में आएगा। तो इसलिए मैं पूरी थ्योरी नहीं बता रहा, मैं मेन फॉर्मूले पर डिस्कस कर लेता हूँ बस। तो यहाँ पे आपको जो होल कोफिशिएंट निकालना है उसको हम मेजर करते हैं आर एच से, ठीक है, आर एच से। तो इसमें आपको, इसमें हम लोग तीन चीज़ें निकालेंगे, एक तो निकालेंगे होल कोफिशिएंट, ठीक है, एक निकालेंगे हम लोग करियर कंसंट्रेशन और मोबिलिटी, ठीक है, तीन चीज़ें हम लोग निकालेंगे इसमें, ठीक है। तो होल कोफिशिएंट का फॉर्मूला देखिए आपको इसलिए होता है, ये होता है, ठीक है, आर एच इक्वल टू 1/NE। अब अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में देखना चाहते हो उसका फॉर्मूला, तो आई एच इक्वल टू जाता है आर एच आई बी अपॉन में डब्ल्यू टी, ठीक है। डब्ल्यू क्या है, विड्थ है सेमी कंडक्टर की, टी क्या है थिकनेस है उसकी। ऐसे ही फिर हम लोग अगर देखना चाहें ये फॉर्मूला इन टर्म ऑफ, अब देखिए ये जो फैक्टर होता है ना डब्ल्यू एच, अगर डब्ल्यू एच फैक्टर की बात करूँ, ये फैक्टर आपका होल वोल्टेज के बराबर होता है, ठीक है, हाँ ये फैक्टर आपका होता है होल वोल्टेज के बराबर। तो इसको हम लोग रिप्लेस कर देते हैं, और फिर होल कोफिशिएंट को, मतलब इस वाली इक्वेशन समझ लो इसको, को सॉल्व करके आर एच की वैल्यू, यानी कि होल कोफिशिएंट की वैल्यू निकाल लेते हैं इन टर्म ऑफ होल वोल्टेज। तो जो वी एच है यहाँ पे, वो आपको होल वोल्टेज है, टी थिकनेस है, आई करंट है, बी मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये आपका एक फॉर्मूला बन गया पूरा होल वोल्टेज का, सॉरी होल कोफिशिएंट का,
जो कि यही और यही फॉर्मूला मेन रूम यूज़ करेंगे इसमें। अब इसका सर्किट थोड़ा सा सर्किट देखते हैं, मतलब थोड़ा जो सेमी कंडक्टर पीस ले रहे हैं हम लोग वो देखते हैं। तो ये आपका सेमी कंडक्टर पीस, ठीक है, ये आपकी विड्थ होगी इसकी, ये इसकी लेंथ है, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड आपकी इस तरफ है, डायरेक्शन फोर्स की डायरेक्शन इस तरफ है, ठीक है। अब सर्किट अगर हम देख लेते हैं इसका फटाफट, देखो जब आप एपरेटर देखोगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, यहाँ पर तो सिर्फ थोड़ा आइडिया में दे सकता हूँ आपको। देखो इसमें करना क्या होता है, सेमी कंडक्टर पीस लेना होता है, उसको सेंटर में रखना होता है बिटवीन द इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है, जिसमें एक साउथ पोल इस तरफ होगा, नॉर्थ पोल इस तरफ होगा। इसमें इस जो सेमी कंडक्टर पीस होता है इसमें चार पॉइंट्स होते हैं, 1, 4, 2, 3, और इस तरह से उन्हें अरेंज करना होता है, ठीक है। जो फोर्थ वाला पीस है आपका वो इस तरह से बाईपास होके मिली वोल्ट मीटर से कनेक्ट होके फिर पॉइंट थर्ड से कनेक्ट होता है, इस तरह से टू वाला पीस यहाँ से पास होगा, ठीक है, और इस तरह से वो वोल्ट मीटर से पास होते हुए पावर सप्लाई तक जाएगा, और यहाँ पे हम लोग मिली वोल्ट मीटर लगा देंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपका सर्किट बनेगा पूरा। अब मेनली सीधा मुद्दे में आते हैं कि हमें कैलकुलेशन वगैरह वो सब चीज़ें कैसे करनी है, ठीक है, तो देखते हैं। चलो ये नहीं देखना, हम सीधा आएंगे यहाँ। तो यहाँ पे थोड़े और फॉर्मूले देखते हैं हम लोग, कि और अच्छे से देखते हैं फॉर्मूले को। तो जो पीछे जो हमने फॉर्मूला डिस्कस किया था होल कोफिशिएंट के लिए, RS इक्वल टू होता है VHI और TV। और देखिए ये सर्किट डायग्राम जो है वो आप लोग मतलब जब आप एपरेटस वगैरह देखोगे तो तभी आपको और अच्छे से क्लियर होगा। यहाँ पर तो सिर्फ मैं आइडिया दे सकता हूँ कि कैसे करना था, तो थोड़ा बहुत मैंने आइडिया दे दिया, बाकी तो आपको खुद ही करना होगा, मतलब सर्किट एक्चुअली बनाना कैसे है, ठीक है, वो तो सर्किट देख के पता चलता है। यहाँ पे मैं पूरा तो नहीं बता पाऊँगा आपको, क्योंकि इसमें इमेजिन करने में थोड़ी दिक्कत होती है ना, तो वही है। तो देखो होल कोफिशिएंट कैसे मेजर करना है, तो होल कोफिशिएंट के लिए हमने फॉर्मूला पीछे देख लिया है, RS = VH T/IB, ठीक है। VH क्या था, होल वोल्टेज थी, टी थिकनेस थी, आई करंट था, बी मैग्नेटिक फील्ड है, RS आपका होल कोफिशिएंट है जो हमें मेजर करना है। अब देखिए इसमें आप जो VH/I है ना, ये वाला जो टर्म है VH/I, ये हम लोग स्लोप की हेल्प से मेजर करते हैं, ठीक है, इसको डायरेक्ट मेजर नहीं करते हैं, इसको हम लोग स्लोप की हेल्प से मेजर करेंगे। स्लोप की हेल्प से मेजर करने का मतलब क्या है कि VH और I के बीच में हम लोग ग्राफ बनाएंगे, और उसकी हेल्प से हम लोग इस क्वांटिटी को VH/I की क्वांटिटी को मेजर करेंगे, ठीक है। और टी और बी तो हमें पता ही है, मतलब आपको गिवन दिया होगा, मतलब टी गिवन दिया होगा, बी तो आप अपनी तरफ से देखोगे, अपनी तरफ से जितने भी मैग्नेटिक फील्ड के बीच में आप रखना चाहते हो सेमी कंडक्टर को उतना रखोगे। उसके बाद जो यूनिट है जो इसकी मेजर करने की होल कोफिशिएंट को, वो होती है ओम मीटर क्यूब पर वेबर, ठीक है। और कैरियर कंसंट्रेशन मैंने कहा था, कैरियर कंसंट्रेशन भी हम लोग मेजर करेंगे और मोबिलिटी भी हम लोग मेजर करेंगे। तो जो कैरियर कंसंट्रेशन का फॉर्मूला जो है, देखो पीछे वो जो फॉर्मूला मैंने पढ़ा था, RS = होता है 1/NE, ठीक है। तो NE जो होता है वो कैरियर कंसंट्रेशन होता है, सॉरी NE कैरियर कंसंट्रेशन होता है, N यहाँ पे कैरियर कंसंट्रेशन होता है, ठीक है। तो N के लिए निकाल लेंगे इसको, RH को इधर ले जाएंगे, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, N = 1/RHE, और ये किस में मेजर करते हैं हम लोग, मीटर पर क्यूब में इसको हम लोग मेजर करते हैं, और ये क्या यहाँ पे, ये आपका इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, ठीक है। इसी तरह से मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर के लिए हम जो फॉर्मूला दिया गया है वो होता है हमारा न्यू इज़ इक्वल टू आर एच सिग्मा। सिग्मा की एक स्पेसिफिक वैल्यू आपको पता मतलब दी जाएगी, आप कैलकुलेट भी कर सकते हो अलग तरीके से, वो जो आपकी बुक होगी उसमें लिखा होगा, लेकिन हमें तो गिवन दिया था तो हमने इसी तरह से कर दिया, ठीक है। आप कैलकुलेट भी कर सकते हो सिग्मा की वैल्यू, आपकी बुक में दिया होगा नीचे, जब आप मोबिलिटी वाला पढ़ोगे ना उसमें तो वहाँ पे दिया होगा कि कैसे मेजर कर सकते हो आप, हमें गिवन था इसलिए हमने डायरेक्ट ले लिया। तो न्यू इज़ इक्वल टू था RH सिग्मा, और RH की वैल्यू आप कैरियर कंसंट्रेशन वाली डाल सकते हो यहाँ पे, तो सिग्मा/NE हो गया, ठीक है। सिग्मा क्या है, यहाँ पे कनेक्टिविटी है मटेरियल की, ठीक है। तो इन अवर केस जो हमारे केस में जो कनेक्टिविटी थी वो थी 0.2, ठीक है, जो हमें गिवन दिया था, ठीक है ना। अब थिकनेस ऑफ सैंपल वो भी हमें गिवन थी, या फिर मेजर भी कर सकते हो थिकनेस ऑफ सैंपल की स्क्रू गेज वगैरह से, ठीक है। तो ये होती है 0.68 × 10⁻³ मीटर, ठीक है ना। अब सेट वन जो हम लोग मतलब हम यहाँ पे दो रीडिंग देखेंगे, मतलब दो टेबल बनाएंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। एक टेबल उसमें कुछ कॉन्स्टेंट वैल्यू ली करंट और मैग्नेटिक फील्ड की, फिर उसमें देखेंगे ओवर वोल्टेज और करंट कैसे वेरी कर रहा है, उसी के बाद फिर हम लोग दूसरा देखेंगे। इस तरह से दो टेबल हम लोग बनाएंगे इसमें, ठीक है। तो सेट वन देख लेते हैं, तो करंट फ्लो थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेट, हमने यहाँ पे जो करंट फ्लो करा रहे थे इलेक्ट्रोमैग्नेट
उसके लिए हमने करंट की वैल्यू ले ली 3 एम्पेयर। वो जो मैग्नेटिक फील्ड हम जो हम लोग सेटअप कर दिया मतलब वो थी हम, वो हमने कर दिया 3180 cos। फिर उसको मैंने यहाँ पर टेस्ला में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। वन गोथ इज इक्वल टू 10^-4 टेस्ला। तो इसको हमने टेस्ला में कन्वर्ट कर लिया क्योंकि सब लोग ऐसा भी लेके चल रहे हैं, ठीक है। अब रीडिंग्स देखते हैं, पहले सबसे पहले उसके बाद ग्राफ्स देखेंगे। तो ये हमारी ऑब्जर्वेशन टेबल, तो पहली ऑब्जर्वेशन टेबल देख लीजिए आप। तो वही सीरियल नंबर, करंट ले लिया और यहाँ पे ले लेंगे हम लोग होल वोल्टेज। यहाँ पे हम लोग इन्हें मिली एम्पेयर और मिली वोल्ट में मेजर कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग चेंज कर लेंगे अपने हिसाब से जैसे हमें सही लगेगा, ठीक है ना। तो इधर तो हम लोग मतलब मिली में लेके चल रहे हैं दोनों चीज़ों को, ठीक है। जैसा मतलब अपैरेटस में दिया होगा सिस्टम, मिली में दिया होगा, एम्पेयर में दिया होगा, उसके हिसाब से आप ले लेना। तो वही करंट की वैल्यू ली फिर हमने और इस तरह से होल वोल्ट को हम लोग मेजर करते चले गए। डिफरेंट डिफरेंट करंट की वैल्यूज़ के लिए आप डिफरेंट डिफरेंट होल वोल्टेज की वैल्यू आपको मिलती चली जाएगी। इस तरह से आप टेबल बना सकते हो, 10 रीडिंग ले सकते हो। उसी तरह से फिर आप करंट की वैल्यू को चेंज कर देना, ठीक है। तो अगर आपने करंट की वैल्यू चेंज होती है तो आपकी तो मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होती है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड की कुछ अलग वैल्यू आएगी, बस उसके लिए आप फिर से 10 रीडिंग ले सकते हो, 10 to 12 जितनी भी आपकी मन करे उस रीडिंग ले सकते हो आप, ठीक है। तो फिर दोबारा से आपकी टेबल बन जाएगी करंट और होल वोल्टेज के लिए, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है स्लोप, यानी VH/I। तो देखो स्लोप के लिए ये करेंगे हम लोग VH होल वोल्टेज ये वाली और करंट के बीच में हम लोग बनाएंगे ग्राफ, ठीक है। तो ग्राफ हम लोग जो बनाएंगे तो हमारा ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। देखो इस तरह से एक लाइन आएगी, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। उसके हम कोई 2 पॉइंट ले लेंगे, ठीक है। और उन 2 पॉइंट के हेल्प से हम लोग इधर मैंने स्लोप निकाल रखा है, तो उसके 2 पॉइंट के हेल्प से हम लोग VH/I लेंगे, ठीक है। जो भी इनके कोऑर्डिनेट्स आए उनको सब्ट्रैक्ट किया और हमें ये वैल्यू मिली, इसको डिवाइड किया तो हमें ये वैल्यू मिली। तो स्लोप की जो यहाँ पे यूनिट बनेगी वो बनेगी वोल्ट पर एम्पेयर, ठीक है, या फिर मिली एम्पेयर या फिर मिली वोल्ट, सॉरी वोल्ट पर एम्पेयर ही बनेगा। क्यों? क्योंकि देखो दोनों ही मिली वोल्ट पर मिली एम्पेयर में है ना, तो मिली से मिली कट गया तो वोल्ट अपॉन एम्पेयर बचा, ठीक है। तो मेरी ये वैल्यू आई है, मेरी वैल्यू है, मैं बता देता हूँ, 14.46 आई है इसमें मेरी वैल्यू, ठीक है। आप लोग देख लेना आपकी क्या आती है। इसी तरह से दूसरे के लिए देख लेंगे फिर हम, जो हमने दूसरी टेबल बनाई थी उसके लिए भी सेम प्रोसीजर है, ठीक है। सेम प्रोसीजर, उसके लिए भी होल वोल्टेज और करंट के बीच में हम लोग ग्राफ बनाएंगे। अभी मेरी एक इस तरह से स्ट्रेट लाइन आती है, उसके लिए भी फिर 2 कोऑर्डिनेट्स में कोई भी को 2 कोऑर्डिनेट्स मार लूँगा और वहाँ से स्लोप निकाल दूँगा, ठीक है। तो VH/I VH के कोऑर्डिनेट, I कोऑर्डिनेट लिए, सब्ट्रैक्ट किया और यहाँ से मेरा 16 वोल्ट पर एम्पेयर हमारी स्लोप आ गया। अब देखते हैं कि हमें मोबिलिटी, करियर कंसंट्रेशन और होल कोफिशेंट कैसे मेजर करना है, ठीक है। तो अब आ जाते हैं मतलब सीधे कैलकुलेशन पे। तो यस, ये हमारी कैलकुलेशन। तो देखो जो हमने पीछे फॉर्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने, RH = VH/I पढ़ा था ना, VH/I TV ये वाला फॉर्मूला पढ़ा था ना। तो ये तो हमने स्लोप से निकाल दिया, ये रहा हमारा जो हमने पीछे निकाला इतना ज़्यादा करके, ठीक है। और ये T/V की तो वैल्यू हमें पता ही है, तो ठीक है। तो वही बस, तो हमने 2 सेट लिए तो हमारी 2 वैल्यू आएंगी होल कोफिशिएंट की। तो पहली वैल्यू को मैंने RH में से रिप्रेजेंट कर दिया, स्लोप की वैल्यू मैंने डाल दी यहाँ पे 14.46 आई थी। हाँ तो हमारी जो हमारा जो स्लोप की जो वैल्यू थी वो क्या थी, 14.6, ठीक है। टी जो मैं थिकनेस है हमारी, इसकी वैल्यू मैंने बता दी थी 0.6×10⁻³ थी। बी की वैल्यू में पता ही है जो हमने वहाँ पे मेजर करी थी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सब कुछ असाइनमेंट लेके चल रहा हूँ, ठीक है ना, ध्यान रखना असाइनमेंट लेके चलना है आपको, किस में लेके चलना है। तो उसके हिसाब से ही रीडिंग्स चेंज होती चली जाएगी, मतलब जो वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी, रीडिंग तो सेम ही रहेगी, ठीक है। तो इस तरह से मैं कैलकुलेट कर लूँगा अपना RH, ठीक है। मैंने बताया था इसे मेजर कर सकते हैं हम लोग ohm³/Wb में, और एक और में मेजर कर सकते हैं m³/coulomb, ठीक है। तो इस तरह से मेरी वैल्यू आ गई। इसी तरह से सेट टू के लिए मेजर कर लेते हैं, ठीक है। तो सेट टू के लिए भी वही सेम, जो मेरा स्लोप आया था 16 आया था, टी बी दोनों की वैल्यू, सी सब कुछ SI में चल रहा है। तो इस तरह से वैल्यू आ गई। अब देखो दो सेट की वैल्यू आ गई, तो दोनों का मैंने मीन ले लिया, ठीक है, ताकि जो भी एरर वगैरह तो खतरा हुआ वो ख़त्म हो जाए। तो फाइनल जो मेरी वैल्यू बनी मिलने के बाद वो ये बनी, ये है मेरा होल कोफिशिएंट, ठीक है। अब करियर कंसंट्रेशन के लिए बताया था मैंने, हमारा फॉर्मूला था RH = 1/N, एन के लिए मैंने वैल्यू डाली, एन के लिए मैंने करा, ठीक है। फॉर्मूला और
करियर कंसंट्रेशन के फॉर्मूला बनाया और बस आर एच की वैल्यू जो मैंने ऊपर निकाली है अभी मीन वैल्यू ये वाली वैल्यू इसको यहाँ पे डाल दिया। ई की वैल्यू में पता ही होती है, बस ये भी आ गया। और इसे हम किस में मेजर करते हैं, मीटर क्यूब ठीक है, मीटर बाय माइनस 3 में। फिर इसी तरह से मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर के लिए भी न्यू इक्वल टू आर एस सिग्मा था, आर एस की वैल्यू वही जो ऊपर निकाली, सिग्मा की वैल्यू मैंने बताया था मुझे गिवन दी थी ठीक है, आपको जैसा दिया होगा वैसे ही आप करना। मुझे गिवन दिया था 0.2 इंटू 10^2 ठीक है, बस इसी के लिए मैंने इसको सॉल्व किया और मेजर कर दिया ठीक है। सिंपल कैलकुलेशन, मीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकंड में, और पर साइमन होगा तो ठीक है। तो इस तरह से आप मेजर कर सकते हो। तो बस इस एक्सपेरिमेंट में तो देखो यही है, अब इसका रिजल्ट भी देख लेते हैं। रिजल्ट में क्या लिखना है, रिजल्ट या तो ये रिजल्ट हमारा। तो रिजल्ट में वही द वैल्यू ऑफ आर एच ऑफ सेमी कनेक्टर सैंपल कितनी निकली, हमारी होल क्वेश्चन की ये थी, कैरियर कंसंट्रेशन की वैल्यू ये है और हमारी मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर के लिए हमारी वैल्यू ये रही ठीक है। फिर क्वेश्चंस देखना चाहते हो तो देखते हैं चलो। तो रीडिंग ऑफ फॉर वी एच शुड बी टेकन 2-3 मिनट आफ्टर स्विचिंग ऑन द मैग्नेटिक फील्ड। तो जैसे ही आपने मतलब आपको अपना एपरेटस को आपने ऑन किया तो जो वी एच यानी होल वोल्टेज के लिए आप जो वैल्यू लेना शुरू करोगे वो मैग्नेटिक फील्ड आपने जैसे अप्लाई किए ना उसके 2-3 मिनट बाद लेना शुरू करना ठीक है ना, क्योंकि वो सब सेटअप होने में थोड़ा टाइम लगता है ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होने में थोड़ा टाइम लगता है ना, तो इसलिए आप 2-3 मिनट बाद ही रीडिंग लेना शुरू करना। इसी तरह से जब मैग्नेटिक फील्ड शुड बी मेजर केयरफुली, मैग्नेटिक फील्ड को आप मेजर करना केयरफुली, कभी कभी जो होता है सिस्टम थोड़ा सा एरर देता है तो उसको थोड़ा केयरफुली मेजर करना। द करंट थ्रो द सैंपल शुड नॉट बी लार्ज इनफ टू केस हीटिंग। तो देखो जब भी आप करंट की वैल्यू दे रहे हो ठीक है, उसको थोड़ा मतलब ज़्यादा मत देना, करंट की वैल्यू कम ही देना, इतने भी कम मत देना, मतलब मीडियम देना ठीक है, क्योंकि जो आप जो सैंपल आप ले रहे हो वो आपका हीटिंग की वजह से मतलब ख़राब वगैरह हो सकता है ठीक है ना। तो उस सैंपल जो है, हम सेमीकंडक्टर सैंपल लेते हैं उसके लिए मैं कह रहा हूँ, तो आप ज़्यादा करंट की वैल्यू यूज़ नहीं कर सकते ठीक है, तो मतलब ज़्यादा लार्ज वैल्यू आप यूज़ नहीं कर सकते, स्मॉल वैल्यू आप यूज़ करना।